भी लाऊं, वीडियो पसंद आई जैसा लाइक करना। अब चलिए फटाफट चार्ज की टेक्निक शुरू करेंगे। उससे पहले बता दो, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरा नाम है हमारे नकलानी, आप देखे हुए चल दिया मेरी, और अगर नए हो तो आपका सबसे पहले ग्रैंड वेलकम है। एक चीज़ का सब्सक्राइब चैनल को बेल आइकन बजाना मत कीजिए ताकि वीडियो के हेल्प नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। आप चलिए दोस्तों फटाफट से ये गर्मा गर्म टेक न्यूज़ शुरू करेंगे टेक न्यूज़ उस, अरे हाँ तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली खबर आ रही है यहाँ पर सैमसंग से, और सैमसंग से दो बुरी खबर आ रही है। मतलब मुझसे मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी बुरी खबर। दूसरी जो है बहुत बुरी है, पहली जो है ठीक ठाक है लेकिन किसी किसी को बहुत बुरी लग सकती है। चलिए दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहला जो है दोस्तों S10 दिया दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S10 का जो सीरीज था उसमें दोस्तों जब वो लॉन्च हुआ था तब तो सैमसंग ने बड़े भवाड़े किए थे कि ये है वो है उसमें। लेकिन अब यहाँ पर सैमसंग खुद क्लेम कर रहा है उसके जो फिंगरप्रिंट की थी अल्ट्रासोनिक उसके लिए बहुत बड़ा धमाका किया था सैमसंग ने। लेकिन अब ये क्या है, अब अल्ट्रासोनिक कुछ भी बन गया, मैं अभी नहीं बोलूँगा क्या बन गया। मतलब कि अब वो किसी भी फिंगरप्रिंट से खोल रहा है। मतलब कि समझो कि आपका कोई फ्रेंड है और उसको आपका फ़ोन चेक करना है और वो चेक कर नहीं पाता क्योंकि आपका पासवर्ड वगैरह लगा है, अब वो अपने फिंगरप्रिंट से भी फ़ोन अनलॉक कर सकता है। दैट समथिंग बैड। और मतलब किसी के भी अंगूठे उंगली कुछ भी हो उससे अनलॉक हो जाएगा। अब ये सैमसंग, मुझे नहीं पता सैमसंग ने ऐसा क्यों किया। पहले तो जब निकाले थे तब मैंने आपको बता दिया, इतना बड़ा धमाका किया था कि भाई हमारा अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट वगैरह वगैरह। चलिए दोस्तों दूसरी सैमसंग की जो बात है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जी दोस्तों samsungM30s जी दोस्तों, वो 6000 mAh का मॉन्स्टर बैटरी, जी हाँ सही आपने पढ़ा है टाइटल में, बूम ब्लास्ट हो गया। मतलब कि अमेजोन से वो बंदे ने ऑर्डर किया और जब निकला फ़ोन तब वो ब्लास्ट हुआ था। मतलब 6000 mAh की बैटरी ब्लास्ट हो गई थी। अब वो हालांकि वो बच गया क्योंकि ब्लास्ट हुआ निकला, अगर तभी होता तो पता नहीं उसका क्या होगा। लेकिन अब अमेजोन ने वालों ने बोला है कि भाई आप मुझे DM कीजिए, ये वो वगैरह कीजिए फोटो वगैरह, और बाद में हम शायद से आपका जो फ़ोन है वो रिप्लेस कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टेक न्यूज़ की, तो वो आ रही है यहाँ पर वन प्लस की तरफ से। और दोस्तों वन प्लस 8 Pro के कुछ यहाँ पर लीक्स और वगैरह वगैरह लॉन्च हुए हैं, एंड मतलब लॉन्च नहीं लीक हुए हैं। एंड जी हाँ दोस्तों वन प्लस 8 Pro ऑब्वियसली 2020 में ही आएगा और ऑब्वियसली वो SD865 पे होगा, मतलब कि स्नैपड्रैगन 865 में होगा जो कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस का सक्सेसर है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जो वो पॉपअप था वन प्लस 7 Pro में वो निकाल दिया जाएगा एंड उसमें पंच होल लाएंगे। अब ये अच्छी बात है, कर रहा है वन प्लस, ग्रो कर रहा है क्या। वैसे आप क्या एक्साइटेड है वन प्लस 8 Pro के लिए, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टेक न्यूज़ की, वो आ रही है यहाँ पर गूगल से और गूगल पिक्सल 4 दिया मैंने दोस्तों। अब मैं कल या परसों बता दिया था आपको मैंने कि भाई ये जो फ़ोन है इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाले हैं क्योंकि इंडिया में जो सॉलिड टेक्नोलॉजी लगाई गई है उसमें वो वर्क नहीं करती। 60 Hz वगैरह पे है, इतना भी मुझे याद नहीं है लेकिन हाँ इतना याद है 60 Hz वगैरह पे है, तो वो इंडिया में नहीं लाएंगे। लेकिन जहाँ दोस्तों इंडिया में नहीं लाएंगे लेकिन जो जहाँ पे US में न्यूयॉर्क में बड़े ही शान से उसको लॉन्च किया था एंड जहाँ दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा, मतलब कि एक लीक ही हुआ है और मतलब कुछ ऐसा लीक हुआ है पूरा कहते हैं तो या दोस्तों पूरा लीक हुआ और उसमें बताया जा रहा है कि आपकी आँख बंद होगी और वो फेस मतलब खुल जाएगा। और गूगल खुद बोलता है कि हाँ भाई खुल जाएगा, उसमें क्या है, मतलब आँख बंद और खुल जाएगा, मतलब आप सो रहे हो और कोई ऐसा लगाएगा और तो ये बहुत बुरी बात है गूगल की तरफ से। और गूगल खुद बोल रहा है हाँ चल मतलब खुलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का ऐसा ही है सब। अब ये मुझे नहीं पता है गूगल ने क्यों किया, कैसा डाला है, क्यों डाला है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले खबर की, तो यहाँ पर मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है और मोटो का जो रेजर फोल्डेबल फ़ोन होगा ये
री बनने वाला है, मतलब कि वापस बनने वाला है, और वो आना है जी हाँ दोस्तों 11th of November को, जी हाँ दोस्तों इंडिया में लॉन्च हो रहा है, हाँ हो रहा है मोटो का फोल्डेबल स्मार्टफोन। अगर ये सस्ता रहा तो ये धमाका होगा मोटरोला का इंडिया में, मतलब कि वापस से मोटो चलने लगेगा अपनी गाड़ी से। और वैसे क्या आप एक्साइटेड हैं फोल्डेबल फोन्स के लिए, या मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। अभी आगे की तो कोई खबर, हाँ और एक लास्ट खबर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है यहाँ पर realme और redmi से। अब सबको पता है realme X2 Pro लॉन्च हो रहा है 20th of November को, एंड जी हाँ दोस्तों इसमें 855 प्लस वाला प्रोसेसर रहेगा, और इट विल बी द चीपेस्ट स्मार्टफोन अंडर मतलब ऑफ स्नैपड्रैगन 855 प्लस। जी हाँ दोस्तों चीपेस्ट स्मार्टफोन ऑफ स्नैपड्रैगन विथ स्नैपड्रैगन 855। लेकिन दोस्तों एक और खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है realme और redmi की तरफ से, और realme और redmi दोनों भी ऐसे फ़ोन पर वर्क कर रहे हैं जिसमें 5G इंटीग्रेटेड होगा, ऐसे चिप पे वर्क वो लोग नहीं कर रहे, क्वालकॉम उनका साथ दे रहा है। जी हाँ दोस्तों लेकिन हाँ वैसे realme ने बताया था कि भाई उनका जो है इंटीग्रेटेड चिप मतलब कि एक स्मार्टफोन में आएगा, वो शायद उन्होंने क्लेम किया था कि भाई वो पहले आएगा, लेकिन क्या रेडमी के 30 पहले आ सकता है? कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कल पता नहीं क्या, कल को क्या धमाका हो जाए, कौन सा फ़ोन लॉन्च हो। अभी देखिए रेडमी नोट 8 प्रो धमाका कर दिया है, वीवो और रियलमी ओप्पो सब की तो लगा के रख दी उसने। और चलिए दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म। या दोस्तों अगर आपको ये आज का टेक न्यूज़ हमारा नंबर 8 पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आज की टेक न्यूज़ में आपको कौन सा पसंद आया और कौन सा नहीं आया, और किस चीज़ के लिए आप रुके हुए हैं। चलिए दोस्तों टेक न्यूज़ होती है ख़त्म, हो तो आपको बता दिया। अब मैं आपको कल मिलूंगा ऐसे ही अपडेटेड करता रहूंगा। टिल देन अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।